महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने लाइब्रेरी के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया और मांग की कि नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकालय में नई पुस्तक की व्यवस्था की जाए। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पुरानी पुस्तकें हैं और छात्र नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा ले रहे हैं, इससे उनको काफी कठिनाई हो रही है। छात्रों ने कहा कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था तक नहीं है। विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए छात्रों ने लाइब्रेरी को बंद कराकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि लाइब्रेरी में छात्रों को बैठने भी नहीं दिया जाता है। देखिए आप तमाम मैं आपको बता भी अवगत करा दूं, मैं पिछले कई दिनों से इनको ज्ञापन में दे रखा था, पिछले महीने ज्ञापन दिया था कि जो नई शिक्षा नीति आई उसके तहत किताब रखा जाए। लेकिन विश्वविद्यालय में करोड़ों लाखों का फंड आता है, ये फंड करते क्या हम लोग को नहीं पता। हम लोग छात्र जो असहाय गरीब लोगों है जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, किताब नहीं मिलती है इनको, दूर दराज से लोग आते हैं पढ़ने किताब नहीं मिलती है। ये विश्वविद्यालय जहाँ 450 कॉलेज जुड़ा हुआ है और हम लोग की लाइब्रेरी देख लीजिए आप, सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पर लगता है कि भूत कमरा अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ पर बैठने का कहीं कुछ नहीं है। और जो किताब की जो संख्या होती है, रखने का एक तरीका होता है, वो भी नहीं पता इनको। और ये अपनी ऑफिस बनवा दिए हैं, ये अपनी ऑफिस बनवा दिए हैं, इनको पता नहीं है कि किस तरीके से चलवाना है। और हम लोग की मांग यही है कि विश्वविद्यालय जो 5 साल से जो फंड इनका आया हुआ है, फंड का उपयोग कैसे किए हैं, कहाँ किए, मुझे बताएं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं छात्रों में जो गरीब छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं भाई, किताबों के लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई है, किताब रखे 1990 किताब रखे, अब लड़के अभी पढ़ रहे हैं तो 1990 किताब लेकर क्या करेंगे, वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कहाँ पढ़ पाएंगे। और अभी हाल में एक प्रशिक्षण हुआ था, 1 साल का ट्रेनिंग हुआ था, उसमें ये जाति धर्म के नाम पर अपने लोग को ये ट्रेनिंग रखते हैं। और तमाम लोग जो कि वाइबा में और जो भी चीज़ें मेरिट में अच्छे अच्छे अंक लेके आते हैं उनको नहीं रखा जाता है। तो हम लोग कुलपति सर से बात करते हैं, कुलपति सर उस चीज़ को बंद करते हैं, लेकिन ये अपने अपने चीज़ों को अपने तरीके से लेना चाहते हैं। ये लाइब्रेरी जो हम लोग यहाँ पर है, ये सोचते हैं कि जिस तरह से चलाए हम, ये लाइब्रेरी उनका नहीं है, उनके बाप का नहीं है, ये लाइब्रेरी हम छात्रों का है, हम लोग छात्रों का परिवार का है, ये विश्वविद्यालय परिवार का लाइब्रेरी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी किताबें यहाँ रखी गई है उनके हम लोग को ब्यौरा दें और क्यों ऐसा ये कर रहे हैं मुझे बताएं। कि जब जैसे हम लोग यहाँ पर आए वैसे हम लोग लाइब्रेरी ने कैमरा देखे और कैमरा देख के भागे यहाँ से, कि हम लोग से सवाल ना पूछे। हम लोग सवाल किसे पूछा जाए, हम लोग सवाल लाइब्रेरी से नहीं पूछे, किसे पूछेंगे, हम छात्र हैं। हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी में पीछे रास्ता भागते गए, आप देखे होंगे मीडिया साहब पीछे से भागे और लाइट अंदर बंद कर दिए। छात्रों को पढ़ने में इतना सुविधा हो रहा है, बैठे बैठे छात्र पसीना पड़ रहे हैं, गरीब वहाँ गर्मी लग रहा है और अपने तो एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं, अपना जो उनका बैठने जो खर्च जाए देख लीजिए बनवा दिए। लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थिति इतनी खराब हो गई है, दुर्व्यवहार हो रहा है कि हर फैकल्टी से खराब हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी है। बच्चे पढ़ रहे थे आपने खाली करा दिया। उनसे मैं निवेदन आग्रह किया हूँ कि आज आप लोग नहीं उठेंगे, हम लोग साथ नहीं देंगे, तो हम लोग हो सकता है कि आगे भविष्य में किताब लोग को न मिल पाए, प्राप्त न हो पाए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।